हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 जुलाई 2024 को उम्मीदवारों द्वारा ANM, फार्मेस्ट, लैब टेक्नीशियन, साथ ही दोस्तों स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवारों ने एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन का यहां पर जो है आयोजित किया था। पर दोस्तों, जो 2 तारीख को यानी कि जो प्रदर्शन कल हुआ, उसमें क्या उम्मीदवारों को कुछ आश्वासन NHM डिपार्टमेंट के कार्यालय से, सचिवालय से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट आई कि नहीं आई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उम्मीदवार लगातार यह कमेंट कर रहे थे कि सर, आंदोलन में कितने लोग गए थे, उनके आंकड़े क्या थे, क्या उन्होंने विज्ञापन सौंपा इन चीज़ों को लेकर, और क्या उम्मीदवारों को कोई आश्वासन मिला वेटिंग लिस्ट को लेकर कि नहीं, कि हमें और कितना समय इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि उम्मीदवारों ने नेशनल हेल्थ मिशन के डिपार्टमेंट के अंदर कार्यकर्ताओं से बात भी किया, पर दोस्तों क्या सफलतापूर्वक जो है वेटिंग को लेकर कुछ ऐसी अपडेट आ रही हैं या नहीं आ रही है, या उम्मीदवारों को नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को एक चीज़ की गाइडलाइंस पहले ही अपडेट की थी, क्योंकि NHM डिपार्टमेंट के अंदर आवश्यक सूचना 1 जुलाई को यहां पर जारी की गई थी, पर दोस्तों उसका सीधा प्रभाव 2 जुलाई को यहां पर पड़ा है। दोस्तों कैसे, क्योंकि NHM डिपार्टमेंट ने पहले ही दोस्तों यह घोषणा की थी कि सचिवालय के अंदर, NHM डिपार्टमेंट के अंदर, कार्यकालय के अंदर अगर कोई भी यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी ये कर्मचारी से काम है तो उन्हें सबसे पहले लेटर बनाना पड़ेगा, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर हो, या यहाँ पर जो है अपनी मांगों को रखने को लेकर हो। उन्होंने साफ साफ यह उस नोटिस में बताया था कि ऐसा कोई भी कदम सचिवालय में ना उठाए जिनने कार्यकर्ताओं को कोई भी दिक्कत हो, और उनके पोर्टल में जाकर टाइम टू टाइम कोई भी ऑफिशियल अपडेट ले, क्योंकि जो बड़ी अपडेट होती है, वेटिंग की अपडेट होती है, वो बड़े कार्यालयों में इन चीज़ों की मीटिंग चलती है और हर एक कर्मचारी को इसके बारे में अवगत नहीं होती है। इन चीज़ों के बारे में नोटिस जारी किया गया था, तो इसका सीधा प्रभाव दोस्तों 2 तारीख के जो आंदोलन किया गया उस पर दोस्तों सीधा पड़ा। तो उस आंदोलन में कितने परसेंट उम्मीदवार सफलतापूर्वक रहे, या नोटिस गई या नहीं गई, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों, वेटिंग की जो उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, यानी कि हर एक उम्मीदवारों को पता है कि इसके अंदर वेटिंग अच्छी खासी यहां पर जो है नंबरों पर जारी की जाएगी, नंबर ऑफ लिस्ट जारी होंगे, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवार हो, फार्मिस्ट के, ANM के, LT के उम्मीदवार हो, उन सभी की लिस्ट 100% इसके अंदर जारी होगी। पर दोस्तों कितना समय, विज्ञापन देने के बाद भी कितना समय लगेगा, विज्ञापन दिया गया या नहीं दिया गया। तो दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट हाउस के अंदर जो अपडेट निकल कर आ पा रही है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो उम्मीदवार कल जो है सचिवालय गए थे, उनमें क्या वहां पर जो है NHM डिपार्टमेंट ने, नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट के कार्यालय में क्या हुआ, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कुछ अपडेट देख लेते हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ अपडेट है या नहीं है। दोस्तों अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों ने सबसे पहले दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं वो सक्षम तौर पर दोस्तों NHM डिपार्टमेंट नहीं पहुंच पाए। दोस्तों उम्मीदवारों की जो संख्या है वो बिल्कुल बहुत ही कम थी। एक्सपेक्टेड किया गया था कि कम से कम 100 से या 150 उम्मीदवारों को कम से कम अपनी वेटिंग के लिए जो चाहत रखते हैं, कम से कम 100 से 150 उम्मीदवार आएंगे। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। जो स्टेडों की संख्या थी, जो उम्मीदवारों की संख्या थी, वो बिल्कुल ही ना के दोस्तों बराबर थी। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्या थी कि जिसमें कि उम्मीदवार नॉर्मल तरह पर जो निकलते हैं वैसे ही संख्या में उम्मीदवार वहां पहुंचे थे, और इसका जो इम्पैक्ट है वो वेटिंग पर बिल्कुल ही दोस्तों नहीं पड़ रहा था कि अपनी मांगों को लेकर जो है वेटिंग की प्रक्रिया किया जाए। तो पहले दोस्तों जितने भी उम्मीदवार वेटिंग चाहते हैं, चाहे वो ट्विटर पर कैंपिंग चल रहा हो, चाहे वो यहाँ पर जो है आप सभी यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, महा आंदोलन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी की जब तक कोई यूनिटी नहीं बनेगी तब तक यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट पर, सचिवालय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर प्रभाव देखना चाहते हैं तो राजस्थान के उम्मीदवारों को देखें,
क्योंकि हर एक भर्ती में ना चाहे नर्सिंग की भर्ती हो चाहे जो भर्ती हो, उम्मीदवारों की यूनिटी पूरी होती है और दूर दूर से उम्मीदवार वहाँ पर दोस्तों आते हैं अपनी मांगों को लेकर और तत्काल प्रभाव से परिस्थितियों को देखकर अपनी जो है मांगें भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो यूपी के अंदर जो प्रक्रिया हुई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले दोस्तों उम्मीदवारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी और उम्मीदवारों ने जो पैम्पलेट चिपकाए थे उन्होंने प्रदर्शन तो किया है पर दोस्तों कुछ समय तक ही प्रदर्शन किया है, क्योंकि दोस्तों जब तक एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है उम्मीदवारों की संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर दोस्तों उस प्रदर्शन पर ज़्यादा यहाँ पर वह प्रभाव नहीं पड़ता है डिपार्टमेंट पर। यहाँ पर जितने उम्मीदवारों की संख्या गई थी उन्होंने कुछ देरी प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद यहाँ पर कार्यालय के अंदर जाकर उनके यहाँ पर जो है अंदर जाने के लिए जो प्रक्रिया थी उनको फॉलो करते हुए उन्होंने विज्ञापन लेके गए, पर दोस्तों वहाँ पर जो है जो मैडम नहीं थी जिनके कारण वो जो मैडम को विज्ञापन देना था वो नहीं दे पाए, पर दोस्तों उनके रेफरेंस पर वहाँ पर वो विज्ञापन हैंडओवर कर आए हैं। पर दोस्तों अब देखना है कि हैंडओवर करने के बाद नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा दोस्तों क्या प्रक्रिया की परिस्थिति को यहाँ पर किया जाता है। पर दोस्तों अगर इसको जस्टिफाई किया जाए तो आप सीधे एक भाषा में समझ सकते हैं कि जितने भी प्रयास उम्मीदवारों ने किए हैं कि 50% दोस्तों यहाँ पर सफलता मान सकते हैं और 50% जो है असफलता मान सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसके आगे तुरंत एक्शन लिया भी जा सकता है या नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा जैसे उनको वेटिंग जारी करनी होगी वैसे ही दोस्तों उन प्रक्रियाओं की वेटिंग जो है जारी कर सकता है। पर दोस्तों इसके बारे में अभी तक आंदोलन करने के बाद लेटर देने के बाद कोई भी ऐसा NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके ट्विटर हैंडल पर या फेसबुक पेज पर ऐसा कुछ भी जो है अपडेट बिल्कुल ही नहीं निकल आ पाया है। अगर कार्यालय में अगर आप कॉल भी करते हैं तो वेटिंग को लेकर अभी तक कोई भी ऐसी सूचना या विज्ञापनों को लेकर कुछ ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से नहीं निकल कर आ पा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर जब भी आप आंदोलन कर रहे हैं तो अपनी यूनिटी को बरकरार रखें, तब जाकर कहीं तत्काल प्रभाव से जो आप सभी की परिस्थिति जो है वो बिल्कुल ही अनुकूल होगी इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों अब देखना है क्योंकि एक या दो दिन के अंदर फिर से हमारी टीम द्वारा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस किया जाएगा और नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट की वेटिंग को लेकर अगर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो आप सभी तक को ज़रूर साझा किया जाएगा। अगर वीडियो चाहिए NHM डिपार्टमेंट की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो टेम्पलेट थे जो यहाँ पर जो है विज्ञापन सौंपे गए थे उन सभी की अपडेट जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर प्रोवाइड है, वो जाकर वो अपडेट वहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर और जो भी परिस्थितियाँ निकल कर आएंगी आप सभी को बताया जाएगा और दोस्तों यूनिटी आप बिल्कुल ही बरकरार रखें, होप ना छोड़ें, नए फॉर्म को फिल करते रहें, इसकी वेटिंग जारी होगी। NHM डिपार्टमेंट देरी कर रहा है पर इसकी वेटिंग 100% दोस्तों जारी होगी, यह कंफर्म रखें। और हो सकता है कि दोस्तों इस महीने में कुछ ना कुछ जो है प्रोग्रेस आप सभी को देखने को मिले, जैसे ही दोस्तों और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।